अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन के लिए वो बताऊंगा। सी प्लस प्लस में और सी में भी कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो ये एक हमने स्ट्रिंग बना दी, उसके बाद एक हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग दूसरी बना दी, ठीक है, और एक और हमने बना दी str3 और इसका साइज़ हमने कॉन्स्टेंट दे दिया। अब सीन ये है कि ये हमारी है स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है, मतलब सॉरी स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया है। ये स्ट्रिंग बैंक की, ये उसके बाद है हमारी करेक्टर एरे जो कि डायनेमिकली एलोकेट करेंगे हम, तो इसको एलोकेट करेंगे तभी हम यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये हमारी स्टैटिक एरे है जिसमें हमने साइज 50 दिया है, तो इसको हम एलोकेट करने के लिए अगर मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर हम ऐसे करें सी आउट str1, ठीक है, पहले इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। पहला जो इशू आता है वो ये आता है कि ना हम जब इनपुट लेते हैं तो वो स्पेस वाली चीज़ें जो है ना वो प्रिंट नहीं करता, मतलब अगर इसके अंदर स्पेस होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इसको रन करूं str1 को, तो ये मैंने कुछ दिया साथ स्पेस दिया, तो सिर्फ पहला वाला जो है ना वो नाम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये इशू है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है string.h की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और इसके लिए हमें गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, गेट लाइन, उसके बाद सीन, अगर अब हम इसको इनपुट लेंगे ना तो वो स्पेसेस वगैरह सब प्रिंट दिखाएगा, पूरा नाम शो करेगा ये कुछ, फिर स्पेस को इसको पूरा प्रिंट करना चाहिए, इसने पूरा प्रिंट किया। ये एक इशू रिजोल्व हो गया। इसी तरह कॉपी करने के लिए सिंपल हम जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है str2 की, अगर हमने str2 यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारा एरर आएगा क्योंकि हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, और str1 3 भी करेंगे तब भी एरर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बिल्ट इन फंक्शन है। तो अब क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमने इनपुट लेनी है। अगर हम ऐसे str3 करेंगे ना तो ये भी हमारा वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है। मैंने str3 किया, ये तो ये भी ले लेगा लेकिन ये स्पेसेस वगैरह काउंट नहीं करेगा, तो सॉरी यहाँ पे प्रिंट भी कराना है। मैं str3 सॉरी स्टॉप किया, यहाँ पे मुझे प्रिंट भी कराना है str3 ताकि हमें पता चले। तो str3 भी जो है वो इनपुट ले लेगा लेकिन स्पेसेस वगैरह नहीं लेगा, देखें जैसे ये है तो इसमें से पहला नाम प्रिंट करेगा, उसने पहला प्रिंट किया। इसी तरह अगर str2 करेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं लेगा, वो कुछ भी नहीं लेगा और कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो तो खाली रहेगा क्योंकि उसकी मेमोरी अभी 0 है, उसने कुछ नहीं प्रिंट किया। तो हम पहले कहते हैं कि str2 में हमने इनपुट लेनी है, str3 में इनपुट लेनी है और हमने स्पेसेस के साथ लेनी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है cin.getline, क्या यूज़ करते हैं कि हम इसके अंदर पहले पैरामीटर पास करते हैं जिसके अंदर हमने इनपुट लेनी है। तो हमने इनपुट लेनी है str3 के अंदर और हमने क्या करना है कि हमारा साइज़ कितना है, हमारा अरे का साइज़ है 50, तो ये अब इनपुट लेगा और अब स्पेसेस के साथ हमें प्रिंट करा के दिखाएगा। तो ये हमने इनपुट ली, मैंने कुछ इनपुट लिया स्पेसेस के साथ, उसने प्रिंट कर दिया। अब ये इशू रिजॉल्व हो गया। अब दूसरा इशू रह गया str2 का। अब str2 की इनपुट यहाँ पर लेंगे तो ये लेगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं लेकिन हमारा साइज़ ही खाली है तो वो प्रिंट कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके हमने मेमोरी एलोकेट ही नहीं की हुई। तो ये देखिए हमने कुछ किया, स्पेसेस दी, तो वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी मेमोरी एलोकेट करनी है। इसकी मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने बताना होता है कि कौन सा डाटा टाइप है, करेक्टर डाटा टाइप है, और फिर उसके बाद हमने साइज़ बताना है। तो हम साइज़ है 50 से देते हैं, तो इसकी मेमोरी एलोकेट होगी। तो अब हम जब इनपुट लेंगे और प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा। अब मैंने कुछ लिया, इसने प्रिंट कर दिया। अब दूसरा सीन ये है कि हमने ना कॉपी कैसे करना होता है एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हमने एक str2 इनपुट ले लिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और इनपुट लेता हूँ str1 में। दो इनपुट ले लेते हैं, str1 तो छोड़ो, हाँ चलो str1 ही ले लेता। मैं चाहता हूँ कि str1 के कंटेंट है, इन दोनों का कंटेंट मैं कॉपी करूँ str3 में, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग मैं चाहता हूँ कि str4 में str2 का वेरी डाल दूँ और str3 में डाल दूँ str1 का। तो इसका तरीका ये है कि सिंपल तो असाइनिंग नहीं होगी, str4 इज इक्वल टू, मैं अगर करूँगा str2 तो ये एरर देगा क्योंकि टाइप दोनों की इसकी करेक्टरिस्टिक इसकी स्ट्रिंग है तो टाइप एरर आएगा। तो ये आप देख लो, वो इसको मेरे ख्याल में ये देखा अपने एरर आ गया। तो अब सीन ये क्या है कि हमने अब करना है करना ये कि पहले तो हम चेक कर लें कि मेरा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। str1 जो हमारा स्ट्रिंग टाइप है तो cin.getline से तो हम कर नहीं सकते, सॉरी। तो इसको हम यहाँ पे c
इन करना है, सी इन करेंगे और ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एक एस टी आर वन इनपुट ले रहा है और एक एस टी आर टू हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो ये चल गया। तो हम इसके बाद यहाँ पे एस टी आर फोर करते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कॉपी करता है या नहीं करता। स्टॉप, एस टी आर फोर में हम डाल रहे हैं एस टी आर टू, ठीक है, जो कि हमारी है एस टी आर फोर स्ट्रिंग टाइप और एस टी आर टू हमारा टाइप है करेक्टर स्टैटिक। तो मैंने ये कुछ लिखा, फिर मैंने दूसरा ये लिखा, एस टी आर वन में एस एन आ गया। तो एस टी आर वन में हमने क्या कॉपी किया, एस टी आर फोर में हमने कॉपी किया था एस टी आर टू, एस टी आर टू की हमने पहले इनपुट ली थी, हाँ बिल्कुल ठीक, तो इसने कॉपी कर दिया। लेकिन अगर सपोज करो कि वो करेक्टर अरे में कॉपी करना है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टर अरे है एस टी आर थ्री, तो अगर हम यहाँ पे एस टी आर थ्री करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे साथ हम एस टी आर थ्री कर देता आपको नजर आए, तो अगर एस टी आर थ्री में हम कॉपी करेंगे तो ये एरर देगा मेरे ख्याल में। हाँ देखा, इसने एरर दिया क्योंकि एस टी आर थ्री फिलहाल जो है वो एक करेक्टर है, ठीक है, और ये एस टी आर टू जो है वो एक स्ट्रिंग है। तो हमने इस एस टी आर थ्री में कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन जितना हमारी उसकी लेंथ है एस टी आर टू डॉट, क्योंकि एस टी आर टू डॉट लेंथ करके मेरे ख्याल में नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है। तो हम वैसे चेक कर लेते हैं कि प्रिंट करता है या नहीं करता, वो लूप चलता नहीं है। और एस टी आर थ्री करके इसके हर इंडेक्स पे ना हम डाल देंगे एस टी आर टू का हर इंडेक्स, ठीक है, तो ये कॉपी कर देगा। आप चेक करते हैं हमारा क्या सीन है, चलता है या नहीं चलता। तो वो लेंथ फंक्शन दे रहा है, लेंथ एरर दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एस टी आर एलियन का फंक्शन है, क्योंकि ये जो लेंथ है ना फंक्शन, ये सिर्फ हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग क्या एस टी आर वन है और एस टी आर फोर है, तो हम क्या करते हैं एस टी आर टू यहाँ पे हम करेंगे एस टी आर एलियन का फंक्शन, ये बताता है इसकी लेंथ। और इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, वो इंक्लूड हुई हुई है स्ट्रिंग डॉट एच, तो मेरे ख्याल में गुजारा चल जाएगा। तो हो गया, तो अब क्या करते हैं कि हमने इनपुट करनी है पहली सी इन, पहली तो एस टी आर टू है, तो एस टी आर टू हम स्पेसेस वाले डालते हैं, तो मैंने ए एस और एच जी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारी एस टी आर वन, तो एस टी आर वन में तो सिंपल अली लिख देते हैं। तो उसने क्या किया कि ए एस एच जी उसने कॉपी किए एस टी आर थ्री में और उसने बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा एक इशू रिजॉल्व हो गया। तो इस तरह हम कॉपी कर सकते हैं, सिंपल लूप लगाएंगे और वो कर देंगे। अगर हमने कॉपी करना है एस टी आर टू में, ठीक है, हमने एक वेरिएबल नया बनाया टेम्प, ठीक है, अब टेम्प की मेमोरी एलोकेट हमने नहीं की, ठीक है, तब अगर हम यहाँ पे टेम्प आई करेंगे ना तो वो कॉपी नहीं करेगा। देखिए मैं टेम्प आई करता हूँ तो और ये एरर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दरअसल ये वो कंपाइलर ऐसा है जो एरर आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं देता, वरना यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आता। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके टेम्प की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे खाली प्रिंट होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने ये किया, टेम्प प्रिंट किया, इधर मैं लिख देता हूँ टेम्प, तो आप देख सकते हो ऊपर मैं टेम के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ एस टी आर टू की, लेकिन इसकी मेमोरी एलोकेट नहीं की हुई। तो वैसे ही आना सेगमेंटेशन फॉल्ट चाहिए, तो क्योंकि ये कंपाइलर ऑनलाइन है तो सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं था, तो ये वैसे चल जाता है। ये चीज़ मजे की, इसकी इग्नोर खाली लिखनी है, गलत है, आपको कुछ पता नहीं चलता। देखो उसने कुछ नहीं प्रिंट किया क्योंकि हमारा टेम खाली है, खाली है, और ये एक्चुअल में सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, देखें, क्योंकि उसने टेम भी प्रिंट नहीं किया। अगर इसको मैं वो दूसरे कंपाइलर पर रन करूँगा तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, इसने ये देखें ये सी और टेम भी नहीं किया। तो इसका जो है ना रिजॉल्व करने का तरीका वो ये है कि इसकी मेमोरी एलोकेट करनी है। अब हम चाहते हैं कि इसकी मेमोरी में उतनी एलोकेट करूँ जितनी इसकी एस टी आर टू की, क्योंकि हमने एस टी आर टू को कॉपी करना है, तो हम ऐसा नहीं करते कि इसकी 50 मेमोरी एलोकेट कर देते हैं और कुछ फालतू पे जो है ना पड़ी रहेगी और हमारी वैल्यू जो है ना वो वेस्ट हो जाएगी, जगह वेस्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू, उसके बाद कैरेक्टर, अब जो है ना साइज़ देना, तो साइज़ में सिंपल जो है उस फंक्शन उसका जो है ना हमारा स्ट्रिंग जो है एस टी आर टू उसका मैं साइज़ दे देता हूँ। तो अब ये मेमोरी एलोकेट करेगा जितना ये है एस टी आर टू है, तो अब उसके बाद हम इसको रन करते हैं, तो इसने मेमोरी एलोकेट कर दी। अब हम कॉपी करते हैं सब कुछ, ये डाल दिया, उसके बाद ये डाल दिया, तब वो प्रिंट करेगा, देखा उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम जो है ना स्ट्रिंग से खेलते हैं, तो ये सीन है ये। बस इसमें तीन टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं, एक करेक्टर स्टैटिक होती है, एक करेक्टर अरे होती है, और एक जो है वो स्ट्रिंग होती है। तो सिंपल स्ट्रिंग है, तो ये हमारी जो है पॉइंटर अरे है, ठीक है, पॉइंटर अरे है और ये हमारी स्टैटिक अरे है। पॉइंटर अरे की हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी पड़ती है, तो फिर बाद में हमें डिलीट भी करनी पड़ती है। तो डिलीट करने के लिए ये है कि सिंपल हम जब इसको यूज़ कर चुके हैं तब हमने दो चीज़ों की मेमोरी एलोकेट की है, एक टेम की और एक एस टी आर टू की। तो हम पहले कर देते हैं डिलीट, डिलीट लिख के पहले हम कर देते हैं एस टी आर टू की मेमोरी डिलीट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं टेम की। तो इससे ये होता है कि रनिंग टाइम पे हम बनाते हैं मेमोरी और फिर वो साथ ही हम डिलीट कर देते हैं, तो ये ऐसे है। तो ये है सी प्लस प्लस में आप जिस तरह स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं या फिर किस तरह स्ट्रिंग्स को स्पेसेस के साथ इनपुट लेते हैं। थैंक यू।